माननीय सदस्य श्री राघव चड्डा। थैंक यू मैडम फॉर परमिटिंग मी टू रेज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर अंडर द स्पेशल मेंशन कैटेगरी। मैं जिस विषय के बारे में बोलना जा रहा हूँ वो हम पंजाबियों और पंजाब के दिल से जुड़ा हुआ मुद्दा है। माई सब्जेक्ट इज डिमांड फॉर ब्रिंकिंग बैक द रॉयल थ्रोन ऑफ महाराजा रंजीत सिंह जी। मैं एक ऐसे मुद्दे पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ जिससे सिर्फ पंजाब ही नहीं पूरे देश की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं उस पंजाब से आता हूं जहां कभी शेर ए पंजाब महाराजा रंजीत सिंह जी का शासन था, और महाराजा रंजीत सिंह जी का शासन असल मायने में सुशासन था, जहां सबको न्याय मिलता था। वो ऐसे महान योद्धा थे जिनके नाम से बड़े बड़े सूरमाओं की रूह कांप जाती थी। महाराजा रंजीत सिंह जी युद्ध भूमि में शेर की तरह गरजते थे। सिर्फ शौर्य नहीं, महाराजा रंजीत सिंह जी ने इंसानियत का पैगाम भी दुनिया को दिया है। उनके शासन में धर्म जात पात के नाम पर कोई भेदभाव नहीं था। बीबीसी वर्ल्ड हिस्ट्री ने एक सर्वे में महाराजा रंजीत सिंह जी को ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ ऑल टाइम्स का खिताब दिया। ऐसे महात्मा को मैं सदन में नमन करता हूं। महाराजा रंजीत सिंह जी को याद करते हुए एक अहम मांग रखना चाहता हूं। लंदन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में महाराजा रंजीत सिंह जी का सोने का सिंहासन रखा हुआ है। मैं भारत सरकार से यह मांग करता हूं कि भारत सरकार अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन यानी कि कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए यूनाइटेड किंगडम की सरकार से बात करें और उस सिंहासन को वापस लाने का प्रयास करें। वो सिंहासन वापस हमारे देश आना चाहिए और सबको उसके दर्शन करने का मौका मिलना चाहिए। महाराजा रंजीत सिंह जी के जीवन को हम सबको उनके जीवन से प्रेरणा मिलती है, सीख मिलती है, साथ ही उनके शौर्य इंसानियत और राज्य की नीति को बच्चों को किताबों में भी पढ़ाया जाना चाहिए जिससे बच्चों को सुशासन का असली मतलब पता लग सके। बहुत बहुत शुक्रिया।